संत नाम है, संत कपड़े का नाम है। अब संत क्या है हमारी कल्पना? प्रेम जब, हाँ प्रेम जब अनंत हो गया, कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत ने कहा, प्रेम जब अनंत हो गया, बार जिसे भगवान स्पर्श कर दे वो विष नहीं अमृत हो ही जाता है महाराज। वो विष का प्याला, विष का प्याला, विष का प्याला अमृत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया।
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो करो जो निष्काम हो। मेरे भाई बहन कहते हैं कि मोहब्बत में सिकवा नहीं शुक्रिया होता है। प्रेम लोहे की जंजीर से मजबूत है और रेशम के धागे से नाजुक भी। लोहे की जंजीर से मजबूत तब है प्रेम जब उसमें स्वार्थ ना हो, और रेशम के धागे से नाजुक प्रेम तब हो जाता है जब उसमें स्वार्थ पैदा हो जाए। आए भागवत कथा में कहते एक बार हमारा और देव ऋषि नारद का समागम हुआ। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो चर्चाएं होती हैं, आओ जी बैठो जी कहां थे। कथम ब्रह्मानंदी मुखम कुतश्चि चिंता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्रस्य गमनम तव। कहो देव ऋषि नारद, हमेशा मुस्कराने वाला चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? चेहरे पे चिंता के भाव क्यों है? देव ऋषि नारद कहते हैं, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्व उत्तमामति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगसेतुबन्धनम् एवं दिशु तीर्थेषु ब्रह्मवाणयितस्ततः। अहम तुम पृथ्वी ज्ञात्वा, देव ऋषि नारद कहते हैं मैं पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक को पृथ्वी पे सर्वोत्तम लोक समझकर भ्रमण करने गया था। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, हरि क्षेत्र गया, पूरे तीर्थों का भ्रमण किया। पर ना पश्यम, पश्य यानी देखा, ना पश्यम कुत्र चिक्षर्मः मनः संतोषकारकम् कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधितधुना। कहते मैं हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र तीर्थ पुष्कर प्रयाग भ्रमण करता रहा, लेकिन मन को संतोष मिले ऐसी कोई जगह नहीं देखी। कली का प्रभाव बढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति एक दूसरे से त्रसित होकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता है। और वहां जाकर के मैंने जो देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भारिण जीव वरा का कूट भासिन। सत्य नहीं देखने को मिला, दान नहीं देखने को मिला, तप नहीं देखने को मिला, विद्वता नहीं, सिर्फ जीव का उत्पार्जन करने में लगे हैं, रमण करने में लगे हैं। मैंने उस पृथ्वी पे जाकर कोई संतोष की चर्चा नहीं देखी बड़ा, क्योंकि संत जो है ना, संत कभी भी अपने स्वार्थ की बात नहीं सोचते।
संत के मुख में कड़वाहट है, वो डांटता है, गाली देता है, चिल्लाता है, कड़वा बोलता है, पर हृदय से निष्कपट होता है। और संसारी जिहवा से मधुर होता है, पर अंदर कपट की गांठ रखता है। एक जगह क्या है ना कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निषद विषद गुणमय फल। साधु का चरित्र कपास के जैसा होता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है, जिसमें कोई रस नहीं होता। बाहर से कठोर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर से मुलायम होता है। उसके बाद जो सही छिद्र, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो कपास होकर कूट कर पीस करके भी सुई के पीछे उस धागे में खुद को फंसा कर लोगों के अंग को ढकने के काम आ जाता है, ऐसे को संत कहा करते हैं। संत जीवा का स्वाद है। देव ऋषि नारद कहते, मैं भ्रमण करते हुए गया हूं, मुझे कहीं संतोष नहीं मिला है। वहां पर मैंने जो देखा वो कृत बताता हूं। ब्राह्मण राजा ज्ञानी आचार्य संत योगी यति और सती, ये सारे लोग स्वयं को भूल गए हैं, जीवन को जीना चाहते हैं लेकिन जीवन की कला को भूल गए हैं। मैंने वहां जाकर के देखा कि ब्राह्मण वेद का पाठ करता है, लेकिन आज की जो वंश है वो हमारे खटकर्म से, हमारी खोडस उपचार पूजा विधि से दूर होते चले जा रहे हैं। क्षत्रिय का काम जो रक्षण है वो नहीं कर रहे हैं, सत्य नहीं है, शौच नहीं है, व्रत नहीं है, संयम नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है। एक लाइन में अगर कह दिया जाए तो पूर्व समय में सतयुग में पशु देव की भाषा बोलता था, आज उल्टा हो गया, कलयुग में इंसान पशु की भाषा बोलने लगा है। कली का प्रभाव चल गया। मैंने वहां जाकर के देखा, मैंने वहां जाकर के जो देखा देव ऋषि नारद बता रहे कि मैं जा रहा था, मैंने देखा है एक स्त्री अपनी गोद में दो बच्चों को लेकर के रुदन कर रही है वेदना में। हर बच्चे के हृदय के विकास एक माँ ही जान सकती है। कहते हैं कि माँ ने बेटे की बनाई क्या निराली शान है, और जो कदर माँ का न जाने वो बड़ा बेईमान है। कहते मैंने जा करके देखा, एक युवती, एक वृद्ध, एक जवान युवती अपने दोनों पुत्रों को गोद में मूर्छित अचेत अवस्था में लेकर के पड़ी हुई है। उसने देव ऋषि नारद को देखा तो आज भी सनातन की एक रीति है कि कमाता लाख धन दौलत इंसान को काफी गरुड़ होता है, न करता याद ईश्वर को दौलत का सरूर होता है, मगर करता है याद ईश्वर को उस पल जब उससे कुछ नहीं होता, हर तरफ से मजबूर होता है। देखा है, देव ऋषि नारद बता रहे कि मैं जा रहा हूं और इस युवती ने मुझे देखा और देखते ही चिल्ला पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ट मम चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वधा हरम करम। भो भो, भो यानी है भो भो साधो क्षणम तिष्ट मम चिंता विनाशय। हे संत, हे परमात्मा, हे देव ऋषि नारद, क्षण भर के लिए तिष्ट यानी रुक जाओ, एक पल के लिए रुको। मम चिंता अपिनाशनम, मेरी इस चिंता का नाश करो, मुझे मार्ग दर्शन दो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा हरम। मैंने सुना है कि आपके दर्शन मात्र से लोगों को पाप से मुक्ति हो जाती, संत के दर्शन का फल। बाकी संत मिले तो खरा, संत मिलना ही आसान नहीं है आजकल।
एक बार ये देव ऋषि नारद परमात्मा श्री हरि के पास गए हैं, उनसे पूछा कि महाराज संत के दर्शन का क्या फल है। भगवान ने कहा चले जाओ, एक ही गांव में तिवारी जी का एक भैंस ने बच्चा दिया है, वो बताएगा कि भगवान के दर्शन का क्या फल है। देव ऋषि नारद पहुंचते हैं, तिवारी जी ने भोजन प्रसाद दिया, बिठाया, नमो नारायण हुई, दरस परस हुआ, कहे बताओ कैसे आगमन हुआ। कहे प्रभु, भगवान ने कहा है कि आपके भैंस का बच्चा बताएगा कि संत दर्शन का क्या फल है। देवसी नारद जैसे उसके समीप पहुंचते हैं, उस बच्चे ने प्राण त्याग दिया। देवसी नारद पुनः आए, बोले महाराज उसको पास तो मैं गया, तैसे उसने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मलीन हो गया। बोले अब चले जाओ गणेश जी के यहां, उनके यहां एक गाय ने बछड़ा दिया है। देव ऋषि नारद का आगमन वहां भी हुआ, नमो नारायण भी, साष्टांग दंडवत वंदन चंदन हुआ। जैसे वो बछड़े के पास गए, उसने भी शरीर छोड़ दिया। तीसरे के पास भगवान से कह करके देव ऋषि नारद ने कहा महाराज अब क्या करूं, जहां भी गया उसने शरीर ही छोड़ दिया। बोले अब कहां जाऊं। बोले चले जाओ, एक राजा के यहां राजकुमार ने जन्म लिया है, वो बता देगा कि संत के दर्शन का क्या लाभ है। देव ऋषि नारद का आगमन होता है, राजा ने आते ही सत्कार किया, स्वागत किया, सम्मान किया, कहने लगे बोलो देव ऋषि नारद कैसे आगमन हुआ। कहने लगे महाराज संत के दर्शन का फल आपका यह पुत्र बताएगा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, ऐसा भगवान ने संकेत दिया, लेकिन पहले मैंने जिन दो लोगों से चर्चा की वो का काम पूरा हो गया, प्राणांत हो गया, डर लगता। बोले कोई बात नहीं, हुआ वही जिसका भय था। देव ऋषि नारद जैसे उसके समीप पहुंचे, उस राजकुमार ने भी शरीर छोड़ दिया। फिर देव ऋषि नारद कहे महाराज अब, बोले चले जा, हिमालय के कंदराओं में एक संत साधना कर रहा है, एक युवा साधना कर रहा है, उसके चरणों में जा, वो बताएगा कि संत दर्शन का क्या फल होता है। देव ऋषि नारद का आगमन होता है, संत ने आसन दिया, बैठारा, सम्मान दिया, और उसके बाद कहने लगा कि बताओ किस कारण से आए, क्या प्रयोजन है। कहने भैया अब तो बात स्टाफ की हो गई है, भारत की राजनीति का सत्यानाश जातिवाद समाजवाद ने ही कर दिया। अरे पहले मैंने जिसका पूछने गया मर गई तो भैंस थी कोई बात नहीं, गाय थी कोई बात नहीं, यौनी थी कोई नहीं, अब तू भी संत और मैं भी संत। ओए होए, तूने रखा सुनार, मैंने रखा लुहार, ना तू कहे हमार ना हम कहे तुहार, कड़वा थू मीठा गप, अपना कुछ भी करे तो चार पांच बच्चों में एक संतोष और किसी को मारने का कोई नहीं दोष, और दूसरा मारे तो मुकदमा कायम। देव ऋषि नारद ने कहा पूछू बताओगे, पर डर लग रहा है, पहले जिससे भी पूछा उसका काम पूरा हो गया। बोले कोई बात नहीं, आप कहो मैं सुनने को तैयार हूं। संत के दर्शन करके उस योनी से मुक्ति मिल गई। पुनः जब आया तो 33 कोटि देवताओं का वास जिस गऊ के हृदय में है, संत दर्शन के फल से मैं उसके उदर से पैदा हुआ, ये संत दर्शन का फल। तीसरी बार जब तू आया, राजकुमार योनी थी वो भी मुक्ति मिल गई, यहां आया, ये संत दर्शन का फल है। और सुन नारद, आज मुझे नर से नारायण बना के घर घर में पुजवा दिया, ये संत के दर्शन का फल है महाराज, पर संत मिले तो खरा। हर तेरी लीला है अपरंपार की लीला, तेरी नहीं पार तेरी लीला है अपरंपार की लीला, तेरी नहीं पार जाने लगा तू ही
एक बार बोले रसिक बिहारी भगवान जय हो। देव ऋषि नारद ने कहा कि मैं जब मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था, भो भो साधो क्षणम तिष्ट मम चिंताम अपिनाशनम दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा। कहता रही है भक्ति कि अहम भक्ति रति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। कहते मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, काल योगे नजर जरो।